नमस्कार जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है आज हम आपके लिए सुंदर सी लेडीज़ कार्डिगन लेके आए हैं ये कार्डिगन फुल साइज़ की है फुल साइज़ की कार्डिगन है इसको हमने माइक्रोशाइन वूलन से बनाया है और इसमें चार सौ ग्राम वुलन लगी है क्योंकि जे जो स्वेटर है कार्डिगन है जे फुल साइज़ की है जे देखिए बाजू इसकी देखिए जे फुल साइज़ की है और बहुत ही सुंदर लगती है बनी हुई तो बाजू भी इसकी पूरी लेंथ पूरी है इसकी इसके बारे में हम इसका मेज़रमेंट बताएंगे आपको और जो हमने इसमें डिज़ाइन डाला है जे वाला वो बताएंगे और बटन पट्टी के कितने फंदे रखे हैं वो बताएंगे जे बटन पट्टी है बटन हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात सात बटन रखे हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर तो आगे हमने वी गले की शेप दी है जो वी गले की हमने शेप दी है उसमें जो देखिए एक एक फली का फंदा हमने सीधा रखा है बीच में दो दो उल्टे रखे हैं और इस फंदे को हमने सिंपल उतार कर बनाया है और इसी पट्टी को गले की बनाते हुए हमने बैग से बनाकर बैक वाले भाग में अटैच किया है सुई से तो जहाँ आकर हमने अटैच कर दिया इसको जे जे देखिए तो ऐसे हमने वी गले की फुल साइज़ की लेडीज़ कार्डिगन बनाई है इसको जब पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगती है और रेडीमेड लुक आती है तो फ्रेंड इसका जो बॉर्डर है वो देखिए हमने उल्टे उल्टे फंदों से बनाया है जे देखिए इसमें भी हमने उल्टे उल्टे फंदे रख कर लाइने बनाई है उसके बाद हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया है ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही सिंपल है और सुंदर है बनकर बहुत सुंदर लगता है और लेडी इसके लिए ये बेस्ट डिज़ाइन है और रेडीमेड लुक देता है रेडीमेड लुक देता है और कलर भी ऐसा है कि हर सूट साड़ी के ऊपर इसको पहना जा सकता है और ये देखिए राजे हमने क्या किया है हमने जो ये बैक साइड बनाई है ना बैक साइड में हमने फुल डिज़ाइन डाला है पूरे में जो ये बैक साइड हमने बनाई है इसमें पूरे में डिज़ाइन डाल दिया है ये बैक साइड है हमने बैक से फंदे कम नहीं किए हैं उतने ही हैं उसी में हमने डिज़ाइन को गले को बनाया है जी देखिए बनकर ये बहुत सुंदर लगती है तो बैक में हमने फुल पूरे में डिज़ाइन डाला है जबकि आगे हमने पूरे में डिज़ाइन नहीं डाला है आगे हमने वही थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन डाला है पट्टियों के हिसाब से जे हमने रेडीमेड स्वेटर में देखा था उसी से ही हमने ये लुक देने की कोशिश की है बाजू देखिए ऊपर से कितनी खुली है नीचे से टाइट है वैसे भी जे थोड़ी खुलती है जे देखिए जो डिज़ाइन हमने फ्रंट में दिया है ना वही हमने बाजुओं पे दिया है जे देखिए ऐसे बाजू पे जब पहनते हैं ना फ्रंट से ऐसे दिखता है और बैक से पूरा डिज़ाइन है जैसे आपका दिल चाहे अगर आपने बैक में भी ऐसा ही बनाना है तो आप बैक में भी ऐसा ही डिज़ाइन बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात हमने इसमें जेबें लगाई हैं पॉकेट जे देखिए ये जो पॉकेट है ना हमने इसके नीचे जब हम ऐसे हाथ डालते हैं ना इसमें पॉकेट में वो वाली पॉकेट लगाई है साइड की सिलाई के साथ जी जे देखिए जेब वाली तो ऐसे आपने जेब में हाथ डालना है और अपना मोबाइल डालिए कुछ भी डालिए और इसकी जो पॉकेट बनती है ना वो पीछे का जो पीस है वो हम अलग से बुनते हैं जी देखिए जे पीछे का भाग है ना इसको हमने अलग से बुना है सात इंच की शायद चुड़ाई है और साढ़े सात लेंथ है लंबाई और फिर इस पीस को बुनकर हम पीछे लगाते हैं और ये पॉकेट हम दोनों साइड लगाते हैं जे देखिए इस साइड भी है हम आपको दिखाते हैं इस साइड भी है पॉकेट तो ऐसे आप पॉकेट भी लगा सकते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पॉकेट बनाना बताएंगे क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमें पता है हमें कमेंट्स करके बोलेंगे कि पॉकेट कैसे बनती है वो बताना लगाना बताइए ये इस सिलाई के साथ ही लगती है प्लेन भाग जो हम पीछे बुन के लगाते हैं वो नीचे रहता है ऊपर वाला ऊपर ही डिज़ाइन आ जाता है तो ऐसे हम इसकी पॉकेट भी बनाकर लगाएंगे तो चलिए फ्रेंड इसका मेज़रमेंट हम बताते हैं आपको कि जे कैसे बनानी है हाँ तो फ्रेंड्स ये जो हमने कार्डिगन इस स्टार्ट किया था हमने ना बैक से स्टार्ट किया था पहले तो बैक में हमने कितने फंदे डाले हैं वो हम आपको बताएंगे हमने बैक में इसके पूरे 112 फंदे डाले हैं वन टवेल्व जहाँ से लेके जहाँ तक वन टवेल्व फंदे डालने हैं बैक में उसके बाद हमने बॉर्डर बुना है बॉर्डर बुनने के बाद हमने एट फंदे डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट किए हैं अगर आपका डिज़ाइन एक सौ बीस फंदों में सेट होता है तो आप एट फंदे और बढ़ाइए अगर एक अगर दस और फंदे बढ़ाने पड़े तो दस बढ़ाइए एट बढ़ाने हैं तो एट बढ़ाइए अपने डिज़ाइन को आपने एडजस्ट करना है क्योंकि चार चार फंदों का डिज़ाइन है डिज़ाइन की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे अभी हम आपको इसका मेजरमेंट ही बताएंगे फंदे बताएँगे 112 फंदे प्लस एट फंदे करेंगे और 10 नंबर पे इस स्वेटर को बनाएंगे कार्डिगण को 120 फंदों से हम पूरी कार्डी का ना बना लेंगे और फिर हम पहले हम फंदे बताएंगे उसके बाद हम इसकी लेंथ भी आपको बता देंगे और इतने फंदे रखे हैं बैक से जो हमने फ्रंट में फंदे रखे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं फ्रंट में हमने ये जो एक पीस है वन पीस फ्रंट का उसमें हमने सिक्सटी सिक्स फंदे रखे हैं फोर फंदे हमने 66 बॉर्डर से रखे हैं फोर फंदे हमने ऊपर और ऐड किए हैं डिज़ाइन और बटन पट्टी के हिसाब से बटन पट्टी के जो फंदे हैं हम पूरा लिख कर स्क्रीन पे दे देंगे तो जो बटन पट्टी हमने बनाई है उसके हमने दस फंदे अलग से रखे हैं बटन पट्टी के और इसके हमने 66 फंदे लिए हैं चार फंदे हमने ऐड किए हैं तो 70 फंदे हो गए दूसरी साइड में भी 70 फंदे चलेंगे इतने फंदे चलने के बाद जो हम ये बटन पट्टी है तो जो जो बॉर्डर के हमने बटन पट्टी के हमने 10 फंदे रखे हैं 10 फंदे रखने के बाद हमने दस फंदे जब बुने ना एक जो चेन वाला है दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस दस फंदे रखने के बाद एक फंदा हमने फली के लिए सीधा लिया है जो हम फली के लिए उतारते हैं फंदा सिंपल बिना बुने स्लिप करेंगे और जब हम उल्टी साइड में आएंगे तो इस फंदे को हम बुन लेते हैं तो ये चेन बनती है उसके साथ हम दो फंदे रखेंगे एक्स्ट्रा इसके साथ हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे तभी बटर पट्टी जो है अच्छे से बनकर आएगी वही दो फंदे जब हम बुनते हुए आगे जाएंगे जहाँ से जहाँ से वी गला स्टार्ट होता है वहाँ से वहाँ से जहाँ से हम शोल्डर की कटिंग भी करेंगे और फिर हम बटर पट्टी की कटिंग करेंगे तो एक एक फंदा हम हर सीधी सिलाई कम करते जाएंगे लेकिन जहाँ पे कम करेंगे जी हम जो सीधी फली लेके आ रहे हैं उसको साथ में ऐसे ही बुनते जाएंगे और साथ में दो फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर जहाँ पे हम दो का एक करते हुए जितने फंदे हमने कम करने हैं करके उसके बाद जितने फंदे हमने रखने हैं हमने ये चार इंच शोल्डर रखा है चार इंच शोल्डर रख कर आपने फंदे बंद कर देने हैं और ऐसे ही इस साइड बुनना है दोनों साइड आपने ऐसे ही दस अगर आपने दस फंदे लिए हैं बटन पट्टी के तो दूसरी साइड भी आपके दस ही फंदे आने चाहिए हम आपको दिखाते हैं ये देखिए दूसरी साइड भी बटन पट्टी के दस ही फंदे हैं उसके साथ भी फली जाएगी दो बीच में उल्टे फंदे आएंगे और एक लास्ट में सीधा जहाँ से हमने फंदे कम करने हैं तो ऐसे आपने ये भाग बनाना है उसके बाद आते हैं हम इसकी बाजू पे तो बाजू पे हमने क्या करना है बाजू में हमने 46 फंदे लेने हैं 46 फंदे लेकर हमने बॉर्डर बनाना है वही बॉर्डर बनाया है सिंपल उल्टा उल्टा उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है और जब हमने 46 फंदे लिए जी 46 उसके ऊपर हमने फ़ाइव फंदे और बढ़ाए बढ़ाए हैं जब डिज़ाइन स्टार्ट किया तो फाइव फंदे हमने और बढ़ा दिए फाइव फंदे हमने बढ़ाए तो फिफ्टी वन फंदे हो गए फिफ्टी वन फंदे को बुनते हुए हम हर थर्ड सिलाई में दो सिलाइयाँ बीच में सीधी उल्टी प्लेन बढ़ाएंगे सीधी सिलाई में हम बढ़ाएंगे। हर थर्ड सिलाई में हम एक इधर फंदा बढ़ाएंगे, एक इधर तो बढ़ाते हुए जितने फंदे हमें चाहिए तो उतनी ही हम लेंथ लेकर इस बाजू को रख लेंगे क्योंकि जो फुल साइज की बाजू है देखिए कितनी खुली है नीचे से टाइट है आप अपने बाजू के हिसाब से बाजू बनानी है अपने बाजू में देख लीजिए नाप के कि आपको कितनी आती है क्योंकि हमारी बाजू जैसे देखिए थोड़ी पतली है तो हमने उसी हिसाब से ही बाजू को बनाया है और ऊपर आकर शोल्डर पे हमने खुला रखा है कि जहाँ से ये टाइट ना हो इसकी हम इंची टेप से नाप कर आपको बता देंगे तो ऐसे आपने बाजू बनानी है बाजू के फंदे आपने देख लिए हैं कितने रखे हैं वैसे हम स्क्रीन पे भी देंगे तो ऐसे आपने अब आते हैं इसकी लेंथ भी तो फ्रेंड इसकी फुल लेंथ हमने ढाई इंच रखी है हम आपको दिखा देते हैं जो शोल्डर है शोल्डर से हम नाप के आपको पूरे ढाई इंच दिखाएंगे जे देखिए ढाई इंच हमने स्वेटर की लेंथ रखी है ढाई इंच फुल लेंथ है और उसके बाद हमने जैसे ये आर्म होल तक रखनी है शोल्डर के नीचे जहाँ से हम कटिंग करते हैं वहाँ से हमारी ये ट्वेंटी वन आएगी जहाँ से ट्वेंटी वन लेंथ आएगी ये देखिए फ्रेंड ट्वेंटी वन है ट्वेंटी वन हम नीचे रखेंगे ये आ, जे वाली लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग रखनी है जितनी आपने की, की हाइट है उसी हिसाब से आप रखेंगे तो हमारी हाइट जो है वो फाइव सिक्स है तो हमने उसी हिसाब से लेंथ रखी है जो हम शोल्डर की जो कटिंग की है उसकी जो लेंथ है वो हम नौ इंच रखेंगे ट्वेंटी वन वो है और नाइन जी है जी देखिए शोल्डर की लेंथ जो है वो नाइन इंच है जहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट की थी तो नाइन इंच इसीलिए रखी है कि हाइट के मुताबिक अगर आपकी हाइट कम है तो आप आठ इंच रखिए अगर आपकी पाँच फुट हाइट है तो आठ इंच रखिए अगर आपकी हाइट चार पॉइंट सेवन है फाइव के नीचे है थोड़ी सी तो आप सात इंच शोल्डर रखिए ऐसे ही आपने बनाना है क्योंकि हाइट के मुताबिक ही बनती है ये नहीं है कि हमने फुल कार्डिगन बनाई है तो आपने ऐसे ही बनानी है है ना तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है और बाजू की जो लेंथ हमने रखी है वो हमने तेई इंच रखी है फुल लेंथ ये देखिए जहाँ से हमने घटाई डाली तो हमने 23 इंच बाजू की लेंथ रखी है 23 और जो आर्म होल की कटिंग थी वो हमने 21 रखी है ये आर्म होल की कटिंग है जहाँ से जब हम कटिंग करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 21 इंच आएगी ये देखिए ये 21 इंच लेंथ है तो आपने ऐसे ही नाप के रखना है जो इसकी विर्थ है आर्म्स की शोल्डर की जहाँ तक क्योंकि जहाँ से हमने कटिंग डाली है तीन तीन हर सिलाई में तीन 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 काम करके जितने फंदे बचे उतने हमने छोड़ दिए प्लेन तो ऐसी कटिंग आपने देनी है और इसकी जो व्रर्थ है वो भी ये देखिए साढ़े आठ इंच बनती है व्रथ जब रेडी हो जाती है तो इतनी व्रर्थ आपने रखनी है चौड़ाई तो आपका शोल्डर रेडी हो जाएगा बाकी अगर आपकी हाइट कम है जहाँ आप हेल्दी नहीं है तो सात इंच भी रख सकते हैं उसके बाद इसकी जो स्वेटर की लेंथ है कार्डिगन की वो हम आपको बता देते हैं जे ट्वेंटी वन इसकी व्यर्थ है ये देखिए ट्वेंटी वन व्यर्थ है इसकी चाहे नीचे से नापिए आप जी देखिए ट्वेंटी वन व्यर्थ आएगी चौड़ाई अगर आप थोड़े पतले हैं बहुत पतले हैं तो कम आएगी अगर आप बहुत मोटे हैं तो इससे भी ज़्यादा चौड़ाई आएगी अब आते हैं इसके डिज़ाइन पे। जो इसका डिज़ाइन है ना, हाँ एक बार और एक बात और बताते हैं जो इंच में आनी है वो है इसका नेक तो नेक में हमने क्या करना है जो हमारे शोल्डर हैं दोनों जे वाला और जे वाला जे चार चार इंच में आएंगे ये देखिए जे जहाँ हम हमारी फली है ना वहाँ तक चार इंच आता है इधर भी चार है और जो बीच में हमारा गला आएगा हमने ऐसे प्लेन ही उतारना है कटिंग नहीं देनी है लगता है कटिंग हुई है लेकिन कटिंग नहीं की है हमने तो हमने ये आठ इंच का गला देना है ये देखिए ये छोड़ देना है हमने इसके बराबर फंदे लेने हैं जितने फंदे हैं हमारे दो भाग करने हैं आधा भाग इधर आधा इधर मतलब दो भाग के जो आधा भाग है वो बीज का गला है और जो आधा बचते हैं वो जहाँ आएंगे शोल्डर पे इसीलिए जे आठ इंच है और जे चार छोल्डर की इधर है चार ही चौड़ाई इधर इद, है विड़त ये देखिए चार इधर है चार उधर है आठ ये होगी और आठ गले की ऐसे आपने बनाना है जो आप बटर पट्टी बनाएंगे बटन पट्टी जैसे आप बनाते जाएंगे ना इसके साथ ही तो जब आप जहाँ तक बना लेंगे ना जहाँ तक उसके आगे आपने वैसे ही बनानी है सीधी इसके साथ बाद में सुई से अटैच करनी है पहले इतनी पट्टी आपने सिंपल बुन लेनी है जी देखिए जहाँ तक तो हमारी डिज़ाइन शोल्डर आ गया उसके आगे हमने फली नहीं आई है हमने सिंपल बनाई है और बनाकर जितनी हमें आठ इंच चाहिए अब जहाँ हम आठ नहीं बुनेंगे जहाँ हम सात इंच बुनेंगे ये पट्टी और फिर हम जहाँ पे अटैच करेंगे इस साइड में और फिर इसको इसके साथ सिलाई कर देंगे थोड़ा सा इसको टाइट रखेंगे नीचे वाले को लूज तो फिर एक गले की शेप थोड़ी अच्छी आ जाएगी ठीक है तो ऐसे आपने गला बनाना है बटन होल आप अपने हिसाब से रखिए आपने कितने बटन लगाने हैं तो हमने बता दिया था आपने कितने कितने बटन लगाने हैं और पहले आप इस साइड बनाइए मतलब तो जैसे स्वेटर है इसकी जे साइड बनाएंगे ना तो इसमें बटन होल आएंगे फिर आपकी ये साइड है इसमें बटन आते हैं ना जैसे जहाँ पे बटन लगा हुआ है तो सबसे पहले ना आपने जे साइड बनानी है पहले जे साइड बनाएंगे और पूरी बना लेंगे पूरी बनाने के बाद फिर ना आपने उस पट्टी को जो नीचे भुनी है देखना है कि इसमें कितने होल आने चाहिए कितनी दूरी पे उतनी ही सिलाइयाँ आप गिन सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे बटन होल आएगा बटन होल बनाना हम आपको बता देंगे कैसे बनाना है क्योंकि बटन होल भी जब हमने बनाना है न तो हमने स्टार्टिंग में नहीं बनाना है ना ही बिल्कुल सेंटर में बनाना है एक फंदा इधर को बनाना है इधर को तभी तो ये बटन पट्टी अच्छे से आएगी जब बटन बंद होगा देखिए ना जे नीचे की चीज़ भी दिख रही है सीधी सीधी फली तो ऐसे आपने बटन होल बनाना है थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए हमने अगर बोल दिया कि हम जहाँ पे बटन रखेंगे तो आपने भी जहाँ पे रखना है ये जरूरी नहीं है आप अपने स्वेटर को अच्छी लुक देने के लिए अपने हिसाब से बटन होल रखने हैं कई कई बार होता है कि स्टार्टिंग में ही बटन दो तीन फंदे बुने और बटन आ, होल रख दिया वो ऐसा नहीं करना है जब आपने हाफ में आना है दस फंदों आपने छः फंदे बुनने हैं छः फंदे बुनने के बाद आपने होल स्टार्ट करना है तो आपका थोड़ा सा हट के आएगा क्योंकि फिर ना ये बटन पट्टी जो है ना बड़ी सुंदर लगती है और बीच में आती है तो ऐसे आपने बटन पट्टी रखनी है दूसरी बात ये देखिए जे हम ना एक और जो जेब आपको बता रहे थे कि इसकी पॉकेट कैसे रखनी है तो जे जैसे स्वेटर बन के आया है नीचे को तो हमने जहाँ पे पॉकेट रखी है जे देखिए है, है ना और पॉकेट हमारी जहाँ से स्टार्ट हुई है बॉर्डर के ऊपर से और जहाँ तक हमने अटैच की है जहाँ तक इतनी सात इंच की लेंथ है पॉकेट की इतनी पॉकेट हमने बनाई है हमने ये वैसे ही पीस बुन दिया उसकी जब बुन गया जब हमने बैक साइड और फ्रंट साइड सिलाई करनी थी तो हमने इतनी सिलाई ऊपर की छोड़ दी सिलाई नहीं की लेकिन हमने अलग से नीचे से ये देखिए पॉकेट लगाई है कई कहते हैं पॉकेट कैसे लगानी है हमने जहाँ से आप फंदे उठाइए अगर नहीं भी उठाने तो कोई बात नहीं आपने सिक्स इंच छः इंच इसकी चुड़ाई रखनी है हम आपको नाप के बताते हैं ये देखिए जो इसकी विड्थ है ना छः इंच है और जो इसकी लेंथ है वो सात इंच है ये देखिए ये सात इंच इसकी लंबाई है तो आपने इतनी पॉकेट बुन कर उसके बाद आप स्टिच कर सकते हैं इसके साथ ऊपर भी स्टिच कीजिए जहाँ तो स्टिच होनी है साइड में स्टिच कीजिए लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम पॉकेट नीचे सिलाई करेंगे तो उसकी फिनिशिंग होनी चाहिए ऊपर से ये देखिए जहाँ तक हमने जहाँ सिलाई की है जहाँ पे लेकिन आपको दिख रहा होगा कि जहाँ ऊपर कुछ भी दिख नहीं रहा है इस हिसाब से सिलाई करनी फिर आपने हमने ये सिलाई की है जहाँ हमने सेफ्टी पिन लगा कर देख लेना है कि सीधी लाइन आनी चाहिए जे जे आ रही है पॉकेट की सीधी लाइन फिर नीचे भी हम सीधा बॉर्डर के साथ अटैच करेंगे उसके बाद हम सिलाई करें हम पॉकेट बनाना अलग से बताएंगे के नेक्स्ट वीडियो में इस वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी फिर हमने जब सिलाई करनी है ऊपर का भाग छोड़ देना है और फिर ये पॉकेट बन जानी है तो हमने दोनों साइड पॉकेट लगाई है क्योंकि तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं मोबाइल डालिए है। कुछ और अपना हैंकी डालिए है। जो भी आपने डालना है तो ऐसे पूरा अंदर चला जाता है मोबाइल ये देखिए पॉकेट के अंदर गया पता भी नहीं चलता है और गिरता भी नहीं है क्योंकि हम जहाँ से ज़्यादा इसको स्टिच करते हैं जहाँ से हाथ डालने के लिए छोड़ देते हैं बाकी ये पूरा आपका मोबाइल अंदर है और बड़े आराम से ऐसे टिड्डा करके निकाल सकते हैं ठीक है तो ऐसे आपने ये पॉकेट बनानी है तो अगर आपको अच्छा लगा हो अगर आप मेरे से कुछ छूट गया हो बताना तो हम आपको आप हमें कमेंट करके पूछिएगा हम बताएंगे आपको और एक और बात जो हम ये देखिए ना हमने बता दिया था कि पीछे हमने पूरा वही डिज़ाइन डाला है जो हमारा डिज़ाइन था तो बाजुओं में हमने बाजुओं में और फ्रंट में देखिए हमने न ये पट ये जो हमने डिज़ाइन डाला है ना ये जो डिज़ाइन बॉर्डर के ऊपर डिज़ाइन है ना इसको हमने आपको बताते हैं कितनी सिलाइयों में बनाया है इसमें हमने अठारह सिलाई बनाई है जो डिज़ाइन है ना इसमें अठारह सिलाई बनती है दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह अठारह सिलाइयों में ये बॉर्डर बनेगा उसके बाद जो हमने बीच में प्लेन सिलाई बनानी है ना बीच में जो ये हमने बारह सिलाई बनानी है ओनली बारह अगर बारह सिलाई बनाएंगे तो उसके बराबर ही आएगा अगर हम इंची टेप से नाप कर देखेंगे तो हमें ये देखिए जे जो डिज़ाइन है ना वो डे दे है डेढ़ इंच तो डेढ़ इंच हमने प्लेन बुनना है तो हमने बीच में अठारह सिलाइयाँ नहीं बनानी है हमने बारह सिलाई बनानी है तो हम जब आपको डिज़ाइन बनाना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ना उसके साथ हम जो प्लेन भी बुनेंगे और फिर डिज़ाइन बुनेंगे तो ऐसे हम आपको बता देंगे अठारह सिलाई और बारह सिलाई और ऐसे ही आपने बाजू पे डाल देना है सेम ये देखिए ये बाजू पे हमने सेम डाला हुआ है बैग हमने पूरा डाल देना है पूरे पूरे में तो ऐसे एक रेडीमेड सी लुक आती है तो अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा ये बताना हमें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लें हमें अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम आप आगे आपको पॉकेट बनाना सिखाएंगे और डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे इसी स्वेटर का अब फुल स्वेटर तो हम बना नहीं सकते मतलब बनाएंगे तो अलग अलग पार्ट्स में बनाकर आपको दिखा देंगे तो आप हमें शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हमें कुछ भी पूछ सकते हैं हम उसका आंसर ज़रूर देंगे तो थैंक यू